दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने बिक्री पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के जलाने पर रोक नहीं लगाई, कोर्ट ने कहा दिवाली पर प्रदूषण का लेवल देखने के बाद आगे कोई फैसला लिया जाएगा। अदालत के फैसले से दिल्ली के पटाखा कारोबारी नाराज, कहा यही फैसला जून जुलाई में आता तो नुकसान नहीं होता। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने जैश के कमांडर खालिद को मार गिराया। जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल हेड कमांडर था खालिद, सुपौर इलाके में एक घर में छिपा हुआ था। श्रीनगर में शहीद राजकुमार को श्रद्धांजलि दी गई, बडगांव में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। जम्मू एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ के जवानों का खास अंदाज में स्वागत, एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने खड़े होकर सम्मान में तालियां बजाई। जम्मू में श्रीनगर जा रहे थे सीआरपीएफ के जवान, काफी देर तक यात्री सम्मान में बजाते रहे तालियां। चेन्नई में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीआईएसएफ की तारीफ की, कहा सीआईएसएफ का काम चुनौतीपूर्ण। नोबेल अवार्ड विजेता कैलाश सत्यार्थी की भारत यात्रा जम्मू पहुंची, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी हुए शामिल, कहा बाल शोषण के खिलाफ चुप न रहे लोग। गोधरा हत्याकांड में गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 11 दोषियों की फांसी की सजा उम्र कैद में बदली। गोधरा हत्याकांड मामले के 20 दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी, विशेष अदालत के फैसले में बदलाव नहीं। गुजरात हाईकोर्ट का आदेश, गोधरा हत्याकांड में मारे गए लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिले, घायलों को भी उचित मुआवजा दिया जाए। 11 दोषियों को विशेष अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। साल 2009 में साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोग मारे गए थे, मारे गए लोगों में ज्यादातर कार सेवक थे, विशेष अदालत ने 31 दोषियों को सुनाई थी सजा। सोनीपत कोर्ट ने अब्दुल करीम टुंडा को बम ब्लास्ट केस में दोषी करार दिया, कल सजा का ऐलान होगा। सोनीपत में 28 दिसंबर 1996 में बम ब्लास्ट हुआ था, 2013 में नेपाल की सीमा से टुंडा को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में पीएम मोदी तेल कंपनियों के सीईओ से मिले, सुझावों के लिए आभार जताया। केरल में हिंदू संगठनों पर हमले को लेकर दिल्ली में बीजेपी की जनरक्षा यात्रा, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और किरण रिजिजू इसमें शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछार, कई को हिरासत में लिया गया। बीजेपी की जनरक्षा यात्रा के जवाब में सीपीएम ने भी प्रदर्शन किया, दिल्ली समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी का हंगामा, केजरीवाल पर अभद्र भाषा बोलने का आरोप लगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर पहुंचे, गुजरात के 3 दिन के दौरे पर हैं। गुजरात के खेड़ा में राहुल गांधी ने कहा, हम आपको मन की बात नहीं बताएंगे, हम आपकी बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। एएमयू और बीएचयू के नाम बदलने के सवाल पर बोले मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कहा सरकार का अभी कोई इरादा नहीं। गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन का चुनाव लड़ने से इनकार, कहा 75 साल की पॉलिसी की वजह से चुनाव नहीं लड़ना चाहती, अमित शाह को चिट्ठी लिखी। कल एक दिन के यूपी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अमेठी में पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बिहार कांग्रेस की बैठक में कार्यकर्ताओं का हंगामा, पटना के मुस्लिम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। बिहार कांग्रेस की बैठक में हंगामे की 5 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच, बिहार कांग्रेस प्रभारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने कहा दोषियों पर कार्रवाई होगी। नीतीश के लोक संवाद कार्यक्रम में आरटीआई एक्टिविस्ट ने कई फर्जीवाड़ों का किया खुलासा, नीतीश ने जांच के आदेश दिए। शरद यादव पर नीतीश का निशाना, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के पिछलग्गू हो गए हैं शरद, कहा किसी के अलग रास्ते पर जाने से नहीं एतराज। यूपी बोर्ड की बदलेगी तस्वीर, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा स्कूलों में योग और खेलकूद भी अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एमपी कांग्रेस में फिर सामने आई नेताओं की गुटबाजी, कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के भोपाल पहुंचने पर सिंधिया कमलनाथ के नारे लगे। हनीप्रीत के ड्राइवर ने से 13 घंटों तक पूछताछ हुई, राकेश ने पुलिस के सामने कई राज उगले। राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत को कल कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, रिमांड का आज आखिरी दिन। झारखंड के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई, एनआईए ने पूछताछ के बाद पूर्व मंत्री राजा पीटर पर कसा शिकंजा। दिल्ली में मेट्रो का किराया बढ़ाने के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन, मेट्रो की आवाजाही पर रोक लगाई। दिल्ली में चोरी के आरोप में नाइजीरियन युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा, 24 सितंबर की है वारदात। बीकानेर में डूंगरगढ़ से विधायक ने महिलाओं से बदसलूकी की, वीडियो इसका वायरल हुआ है, कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के बांसवाड़ा में 16 थानों के पुलिसकर्मियों ने मेस का बहिष्कार किया, 7वें वेतन आयोग से पहले वेतन में कटौती का विरोध। जम्मू कश्मीर के पहलगांव के जंगल में आग लगी, आग बुझाने की कोशिशें जारी। राजस्थान के धौलपुर में टीचर ने 2 छात्रों की बेरहमी से पिटाई की, कमरे में गंदगी देखकर टीचर नाराज हुए।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बस हादसे का शिकार हुई है, परीक्षा देकर जमशेदपुर लौट रहे कई छात्रों की हालत गंभीर। झुंझुनू में बेकाबू इनोवा ने 3 वाहनों को टक्कर मारी, हादसे में 1 शख्स की मौत हुई, 6 लोग घायल। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तहसील में चोरों ने वकीलों की सीट के ताले तोड़े, 1 को लोगों ने पकड़ा, बाकी 5 भागने में कामयाब रहे। यूपी के हाथरस में अवैध हथियार बनाते हुए एक युवक पकड़ा गया, पुलिस ने हथियार भी जब्त किए। ग्वालियर में युवक की हत्या, पत्नी और बेटी पर आरोप लगा, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था शव। जम्मू के गांधीनगर महिला कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन, डिप्टी सीएम की मौजूदगी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश।